हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रोहित मौर्य, माय चैनल इज RRM टेक्सटाइल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे, तभी आज आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नया टेस्ट लेके आया हूँ, कलर फास्टनेस टू क्लोरिनेटेड कूल वाटर। यह टेस्ट हम एक ऑटर सामने कैसे परफॉर्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और इसके प्रोसीजर क्या है, इसके करने के स्टेप टू स्टेप, ये सब सारी आज मैं अपनी वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड अपनी वीडियो में आज मैं आपको स्टेप टू स्टेप करके दिखाऊँगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो में। अपने वीडियो में चलने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई कमेंट हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी और टेस्ट के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो मेरा आने वाली अगला वीडियो उसी टेस्ट के बारे में होगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे। सबसे पहले हम स्पून साइज लेंगे। स्पून साइज हमारा 5x5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और एडजेस्टिव फैब्रिक की साइज़ भी हमारे 5x5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये हम एडजेस्टिव फैब्रिक के साथ करेंगे, मल्टी फैब्रिक के साथ नहीं, जिनका वेट हमारा 1 ग्राम होना चाहिए। इन दोनों का वेट हमारा 1 ग्राम होना चाहिए, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। अब हम हार्डनेस सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए हम कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड की आवश्यकता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड का वेट 5.07 होना चाहिए, 5.07 ग्राम, और कैल्शियम क्लोराइड 8.24 ग्राम। इन दोनों को वेट करने के बाद हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में मिक्स कर लेंगे 1 लीटर डिस्टिल वाटर के साथ। कैल्शियम क्लोराइड का वेट कर लिया है 8.2 ग्राम, 8.24 ग्राम। यह हमने हार्डनेस सोल्यूशन पर हमारा रेडी हो गया है। अब हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड 80 ml एंड 420 ml डिस्टिल वाटर मिक्स कर लिया इन 500 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास में। हमारा रेडी 6N H2SO4 को रेडी हो गया है सोल्यूशन। अब हम प्रिपेयर करेंगे 0.09 सोडियम थाइसल्फेट। ये हमारा 9-10 सोडियम थाइसल्फेट है, जो हम इसको प्रिपेयर करेंगे सोल्यूशन में। हमने 50 ml ले लिया, ये स्टेक सोल्यूशन। हमने अब हम इसको 500 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास में डालेंगे, उसके बाद डिस्टिल वाटर से मिक्स करेंगे। ये हमने रेडी कर लिया। अब हम KI सोल्यूशन अपना प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर द सोल्यूशन 12% पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का वेट हम 12 ग्राम लेंगे। अब मिक्स करेंगे डिस्टिल वाटर में या 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास में। अब हम प्रिपेयर करेंगे स्टार सोल्यूशन 1%। अब हम प्रिपेयर सोल्यूशन एसिटिक एसिड 1% लेंगे, मिक्स डिस्टिल वाटर या 100 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास। ये हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास में डाल रहे हैं एसिटिक एसिड, ये pH मेंटेन के लिए होता है। अब हमने मशीन को रन कर दिया है, वाटर फिल हो रहा है। स्टार्ट द रोटा वाश मशीन एंड फिल द वाटर। अब 51 ml डिजिटल वाटर हमने ले लिया एक बीकर में, इसमें हमने 51 ml हार्डनेस सोल्यूशन मिक्स किया। और ऐड किया 0.5 ml हाउसहोल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन। अब हम अपने प्रिपेयर सोल्यूशन का pH देखेंगे, इसका pH हमें 7 मेंटेन करना है, 7 होना चाहिए। इसके लिए हम एसिटिक एसिड का यूज करेंगे, जो हमने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है।
ये 7 आ गया पीसीस का। अब हमने 1000 ml सॉल्यूशन ले लिया, 1000 ml टेक्स्ट सॉल्यूशन, 1000 ml जो हमने कनिस्टर में डाल दिया है, स्पेसमैन और सॉल्यूशन को हमने एक साथ डाल दिया। एक 1000 ml सॉल्यूशन एंड स्पेसमैन विथ कंट्रोल फैब्रिक मिक्स इन स्टेनलेस स्टील कनिस्टर। हमारा मशीन का टेम्परेचर मेंटेन करना है, जिसका टेम्परेचर हमारा 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये हमारे वाटर का टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस है। अब हमने कनेक्टर को माउंट कर दिया और मशीन को रन कर दिया 60 मिनट के लिए। रन द रोटा वॉज फॉर 60 मिनट। अब हम टाइट्रेशन करेंगे हमारा सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किया वो सही या नहीं, सही बनाया या नहीं। चलिए हम 100 ml सॉल्यूशन इन कॉनिकल फ्लास्क में लेंगे। 100 ml हमने सॉल्यूशन ले लिया कॉनिकल फ्लास्क में। इसमें हम 20 ml 6N सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे, 6N सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करेंगे जो हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था सल्फ्यूरिक एसिड का। ऐड 6 ml 12% पोटेशियम क्लोराइड। उसके बाद एंड 3 ड्रॉप्स फॉर 1% स्टार सॉल्यूशन एंड मिक्स थ्रोली। इसकी पूरी तरह से मिक्स करेंगे, जिसका कलर हमारा ब्राउनिश होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड भी ब्राउनिश ब्लू कलर आना चाहिए, तो हमारा सॉल्यूशन ठीक है। दिस इज़ द अब ये प्रोसीजर हमारा बैक ट्राइटेशन का है। दिस इज द बैक ट्राइटेशन सॉल्यूशन, जिससे हमारे सॉल्यूशन के कलर पहले जैसा हो जाएगा। यह अब हम कलर चेंज देखेंगे इसमें का कलर चेंज ग्रे स्केल से मेजर करेंगे। चेक द कलर चेंज। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर मेरा वीडियो आपको अच्छी लगी, आपको समझ में आया इस टेस्ट के बारे में, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए, तो जिसका रिप्लाई आपको विद इन आवर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट और नए टेस्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो में और नए टेस्ट के साथ। बाय।